नमस्कार, बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी पूरी तरह से बेनकाब हो गए, पूरी तरह से फंस चुके हैं। महाराष्ट्र से अब उनकी जो सत्ता में वापसी हुई थी किसी षड्यंत्र के तहत, अब शिवसेना और कांग्रेस में दरार पड़ चुकी है। किस तरीके से गांधी परिवार बचाओ रैली में, जो दिल्ली में राहुल गांधी ने आपा खोया, उनका दिमागी संतुलन इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि वो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, और उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया और कहा कि मैं तो राहुल गांधी हूँ, वीर सावरकर नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आला कमान से बात करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि राहुल गांधी तो आला कमान है। आला कमान कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी से बड़ा आला कमान कौन हो सकता है? कि अब राहुल गांधी की शिकायत वो किस से करेंगे? राहुल गांधी की मम्मी से, राहुल गांधी के जीजा से, राहुल गांधी से, या राहुल गांधी की बहन रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा से? तो ये बात हो गई है शिवसेना के उद्धव ठाकरे की, जो बात करते थे पहले कि जो भी वीर सावरकर का अपमान करेगा उसको चप्पलों से पीटा जाएगा। लेकिन अब वो सत्ता के लालच में अपने चप्पल अपने बगल में दबाए बैठे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत कुछ कहते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। वो ट्विटर पर कुछ ट्वीट पोस्ट करते हैं जो संसद में खुलेआम राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाया करते थे, अब वो भी मौन हो चुके हैं। आपको बता दें कि वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी कांग्रेस नेता पर सार्वजनिक रूप से अपने दादा का अपमान करने पर उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और रंजीत का कहना है कि अच्छा है कि राहुल गांधी राहुल सावरकर नहीं है, नहीं तो हम सबको अपना मुंह छिपाना पड़ता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना वादा निभाएंगे। और उन्होंने वादा याद दिलाया, और उद्धव कई बार कह चुके हैं यदि किसी ने सावरकर का अपमान किया तो वो सार्वजनिक रूप से चप्पलों से पीटेंगे। तो रंजीत ने यह भी कहा कि राहुल को अपनी दादी इंदिरा गांधी का आभारी होना चाहिए जिन्होंने अपने सरनेम नेहरू छोड़कर, नहीं तो उन्हें ब्रिटिश नौकर समझते थे। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन के प्रति वफादार थे, उन्होंने 1946 में मंत्री के तौर पर वायसराय काउंसिल में काम करना मंजूर किया था। तो नेहरू एक तरफ नेहरू थे जो अय्याशी में पूरा काम करते थे। कल संबित पात्रा ने भी इस बात को कहा था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ रंग रैलियां मनाते थे वो नेहरू के बारे में क्यों चुप हैं, राहुल गांधी सावरकर का अपमान क्यों करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं, और रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की बात कही है। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ केस भी होने वाला है, और राहुल गांधी महाराष्ट्र में बुरी तरह फंस चुके हैं। राहुल गांधी को आपको बता दें कि संजय राउत ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पोस्ट करके राहुल गांधी को करारा तमाचा मारा है, और राहुल गांधी को याद दिलाया है कि अपनी सीमा में रहें। लेकिन वो डायरेक्टली नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कविता के माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, और कांग्रेस को कह रहे हैं कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इसके विपरीत है राहुल गांधी। राहुल गांधी में तेज नहीं है, राहुल गांधी में त्याग नहीं है, राहुल गांधी भोग विलासी हैं, राहुल गांधी माने तप भी नहीं है। और तो ये मतलब है सावरकर जो इतनी संज्ञाएं दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से जो उन्होंने बात कही थी, अब क्या राहुल गांधी इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या वो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब शिवसेना कह रही है कि कांग्रेसी नेताओं से बात करेंगे, और वो अपने कांग्रेसी नेताओं को कहेंगे, महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को, कि वीर सावरकर के से जुड़ी हुई किताबें राहुल गांधी को भेंट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो किताब पढ़ने में इच्छुक नहीं होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई तो अपने चाटुकारों
के माध्यम से मिलती है और वही चीज़ बोलते हैं जो उनके कान में भरा जाता है। उनको आज तक शायद कोई अच्छी चीज़ किसी ने बताई होगी। वहीं राहुल गांधी के शिवसेना के बयान पर उनके मुखपत्र सामना में इस बात के लिए प्रतिक्रिया लिखा है कि वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने भी देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। और कांग्रेस से पूछा गया कि हम गांधी नेहरू का सम्मान करते हैं तो आप सावरकर का अपमान क्यों करते हो, देश के हर महान नेता का सम्मान होना चाहिए। अब मायावती ने भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने से जो नकाब है वो नकाब उतार दिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, मायावती ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, इसलिए उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को भी लेकर उनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है, किंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ अभी भी बनी हुई है। यह सब कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है, अथवा इनको इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वरना यह सब उनकी अपनी पार्टी की कमजोरियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए केवल कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी। तो ये बात कही है मायावती ने। मायावती ने करारा हमला किया है कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र पर। एक तरफ तो महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार में शामिल है, दूसरी तरफ वो सावरकर को इस तरीके से अपमान करते हैं। तो क्या सावरकर का अपमान शिवसेना ऐसे ही सहती रहेगी? क्या शिवसेना कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या राहुल गांधी के सामने वो सावरकर की किताबों को भेंट करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे ने जो एक बार ऐलान किया था चप्पलों से पीटेंगे, क्या राहुल गांधी पर वो चप्पलों से पीटेंगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो एक बयान भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो आला कमान से शिकायत कर रहे हैं। शायद आला कमान पता नहीं किस दुनिया में रहता है कांग्रेस का, ये तो सभी जानते हैं कि 10 जनपद में रहता है, लेकिन उद्धव ठाकरे अब कुर्सी के मोह में आला कमान भी भूल गए हैं कांग्रेस पार्टी का। वही आपको बता दें कि फडणवीस ने भी करारा हमला किया है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं और जिसके साथ शिवसेना की सरकार थी, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के साथ चलेगी। अब फडणवीस ने कहा, राहुल का बयान शर्मनाक है, सावरकर ने 12 साल अंडमान जेल में तपस्या की, प्रताड़ना सही, राहुल 12 घंटे भी सह नहीं सकते, वे सावरकर के नाखून के बराबर भी नहीं है। राहुल ने ये बात कही थी। तो अब आप कह सकते हैं कि फडणवीस भी अब उन पर चारों तरफ से, शिवसेना पे भी दबाव है और कांग्रेस पार्टी इस मामले पर बुरी तरह फंस चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के जो नेता हैं छगन भुजबल, वो कहते हैं कि सावरकर गाय को माता नहीं मानते थे, जानवर मानते हैं, तो क्या बीजेपी सावरकर की बात को मानेगी? ये बात तो सबसे पहले एनसीपी के नेता छगन भुजबल को उद्धव ठाकरे से पूछनी चाहिए, संजय राउत से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो संजय राउत और उद्धव ठाकरे उनकी सरकार में हैं, वो मंत्री हैं। क्या वो इस बात के लिए स्वीकार करेंगे? क्या वो शिवसेना पर ऐसा सवाल कर सकते हैं? कदापि नहीं। वहीं एनसीपी के नवाब मलिक, नवाबी शौक पालने वाले संजय राउत को टैग करते हैं, मशहूर शायरी इकबाल की शायरी पेश करते हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट में कहा, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इश्क कौन सा इश्क लड़ाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बीच। ये इश्क तो दो दिन में ही तार तार होता जा रहा है, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और अब सावरकर को लेकर, तो दोनों पार्टियों का जो खुलकर मनमुटाव है सामने आ गया है। आगे आगे देखिए, एक दूसरे के कपड़े खुलेआम फाड़े जाएंगे और दूरगामी कितना गठबंधन सशक्त है, इस बात का आप समझ सकते हैं कि कितना ये मजबूत गठबंधन है, ये बात समझ में आती है। शिवसेना और सावरकर और कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी, राहुल गांधी जो अनाड़ी होते हैं वो ऐसी ही बात करते हैं कि कोई मुद्दा कहीं और होता है, लेकिन वो अपनी ही रटी रटाई बात सामने करते हैं। कोई कितना भी उनको सजा के धजा के याद करके भेजकर मंच पर हीरो बनाने की कोशिश करे, लेकिन राहुल गांधी तो अपनी राहुलपना दिखा देंगे। और इस वजह से राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को
फंसा के रख दिया है, ना तो उस पर अब सोनिया गांधी कुछ कह सकती है। पूरी कांग्रेस ही सावरकर के पीछे लगी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि नेहरू ही महान थे, नेहरू की वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि नेहरू ने सिर्फ गांधी परिवार का ही उद्धार किया है, बाकी कोई देश में उत्थान करे न करे, नेहरू ने अपने पीढ़ियों को पुस्तों का इंतजाम कर दिया, उनको कोई और इंसान कैसे अच्छा लगेगा, कैसे वो स्वीकार कर पाएंगे दूसरे को, जो परिवार खुद को ही भारत रत्न देता रहा, उस परिवार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो राहुल गांधी देखते हैं कि जो कह रहे थे कि मैं मर जाऊँगा, माफ़ी नहीं मांगूँगा, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या अपनी गलती स्वीकारेंगे, क्या उन पे केस होकर वो माफ़ी मांगे, जो पहले पिछली बार भी वो काफ़ी बार माफ़ी मांग चुके हैं। तो राहुल गांधी जब तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी इसी तरह से उनके जाल में फंसती रहेगी, और राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस को बाहर नहीं निकाल सकते इन मुसीबतों से, वो और भी जो मुसीबतें ही नहीं है उन मुसीबतों में भी फंसा देगा राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत।